मेरे एक फ्रेंड ने मुझसे पूछा कि स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो लगभग हर एक बिगनर को यह कन्फ्यूजन बनी रहती है कि स्टॉक्स बेटर होता है या कि म्यूचुअल फंड बेटर होता है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। पहले हम समझ लेते हैं कि स्टॉक्स क्या है। स्टॉक्स जो है एक इंडिविजुअल कंपनी है जिसमें आप रिसर्च करके पैसा लगाते हो और आपको उस पर रिटर्न मिलता है। म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड को एक फंड मैनेजर जो कि मार्केट का एक्सपर्ट होता है वह आपके पैसे को मैनेज करता है और उस पर आपको रिटर्न बना के देता है और उस पर वो कुछ चार्ज लेता है जो भी रिटर्न बनाएगा। इसको अगर हम एक एग्जांपल लेके समझें कि आपके पास एक कार है तो आप क्या करोगे, खुद ड्राइविंग करोगे या एक ड्राइवर रखोगे, ये आपके सिचुएशन पर डिपेंड करता है। अगर आपके पास टाइम है और आपको ड्राइविंग आती है तो आप खुद ड्राइविंग करोगे, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप क्या करोगे, एक ड्राइवर रखोगे। सेम इन्वेस्टमेंट भी इसी तरह है। म्यूचुअल फंड के कुछ प्रोज एंड कॉन्स है और स्टॉक्स के भी कुछ प्रोज एंड कॉन्स है। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं म्यूचुअल फंड के प्रोज एंड कॉन्स। तो म्यूचुअल फंड के प्रोज कौन कौन से हैं? म्यूचुअल फंड में आपको एंट्री एग्जिट की कोई टेंशन नहीं है। एक फंड मैनेजर आपके स्टॉक्स को खरीदेगा, आपके स्टॉक्स को बेचेगा, तो टाइम की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आप अपने टाइम को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, आप कोई दूसरा काम कर सकते हो। और दूसरा, आपको किसी कंपनी के कॉन कॉल, कंपनी के एनुअल रिपोर्ट नहीं पढ़ना है, कोई रिसर्च नहीं करना है। तीसरा, आपका स्मॉल अमाउंट भी डाइवर्सिफाइड रहेगा, क्योंकि कोई फंड मैनेजर है वो बहुत सारे पैसे मैनेज करता है तो वह आपके पैसों को अलग अलग कंपनियों में लगाएगा। अब हम म्यूचुअल फंड के कॉन्स डिस्कस कर लेते हैं। हो सकता है कि म्यूचुअल फंड मैनेजर किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है कि आपका रिटर्न ना बने, तो वह क्या करेगा कि सेफ साइड खेलेगा। दूसरा, म्यूचुअल फंड मैनेजर क्या करता है कि वह सेफ प्ले करता है, वह ज़्यादा रिस्क नहीं लेता है। वो सोचता है कि एक मार्केट में जो कंपटीशन बना हुआ है, मैं किसी भी अपने कस्टमर को कम रिटर्न ना दूँ और ज़्यादा भी रिटर्न ना दूँ, क्योंकि वो ज़्यादा रिस्क नहीं लेगा। और तीसरा यह है कि मार्केट में जब भी पैनिक सिचुएशन बनी रहती है, अगर सब लोग स्टॉक्स को सेल करने लगते हैं तो फंड मैनेजर भी क्या करता है, उसी भीड़ के साथ चलता है। उसको दिखाना होगा कि एक साल में उसने कितना रिटर्न दिया है, कितना रिटर्न नहीं दिया है, तो एक कंपटीशन रहता है। जब सब लोग स्टॉक्स खरीदते हैं तो वो भी खरीदने लगता है, जब सब लोग बेचने लगते हैं तो भी बेचने लगता है। कोई भी फंड मैनेजर नहीं चाहेगा कि उसने माइनस में रिटर्न दिया है, तो एक मॉडरेट रिटर्न ही दे पाता है। अब हम स्टॉक्स के प्रोज डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक्स में क्या है, आप खुद रिसर्च करते हो, आप कंपनी के कॉन कॉल सुनते हो, कंपनी का एनुअल रिपोर्ट देखते हो, तब जाके आप इन्वेस्ट करते हो। तो आपका जो है एंट्री और एग्जिट दोनों ही आप ही करते हो, आप अपने पैसों को खुद मैनेज करते हो। दूसरा, आप फ्यूचर के लिए प्रिपेयर होते हो, रोज़ कुछ ना कुछ सीखते हो कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, डिफरेंट फैक्टर लर्न करते हो। तीसरा, आप डिसाइड करते हो कि आपको कब एंट्री करना है, कब एग्जिट करना है, मार्केट के सिनेरियो को देख करके कि आपको अच्छा रिटर्न कब मिलने वाला है, या आप खुद से अपने एक्सपीरियंस के बेस पर डिसाइड करते हो। अब हम स्टॉक्स के कॉन्स डिस्कस करते हैं कि स्टॉक्स में कौन कौन से कॉन्स है। सबसे पहले आपको टाइम देना पड़ता है, किसी भी स्टॉक्स को खरीदने से पहले आप रिसर्च करते हो, बहुत सारा टाइम देते हो। अगर आपको कोई बिजनेस है फिर भी आपको टाइम देना पड़ता है, कंपनी के कॉन कॉल सुनना पड़ता है, एनुअल रिपोर्ट देखना पड़ता है, क्वार्टरली रिजल्ट देखना पड़ता है, तो आपको बहुत सारा टाइमिंग जाता है। तो यह पहला कॉन्स हुआ। दूसरा, आपको फ्रीडम होती है किसी भी स्टॉक्स को खरीदने या बेचने में, तो आप कभी भी इन्फ्लुएंस आ करके स्टॉक्स को बाई कर लेते हो, कभी सेल कर लेते हो, तो आपका अच्छा रिटर्न नहीं बन पाता है। तीसरा कॉन्स ये है कि आप किसी टेलीग्राम चैनल पर या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी पेनी स्टॉक के बारे में बात की जाती है तो आप उस पेनी स्टॉक्स को खरीद लेते हैं, जस्ट ड्यू टू फ्रीडम टू बाई एंड सेल। अब मैं बात करता हूँ कि मैं पर्सनली क्या करता हूँ। पहले मैं म्यूचुअल फंड में पैसे लगाता था, अब म्यूचुअल फंड में पैसे नहीं लगाता हूँ, क्योंकि मैंने नॉलेज एक्वायर किया, अब मैं स्टॉक्स में पैसे लगाता हूँ। क्योंकि म्यूचुअल फंड मैनेजर क्या करते हैं, वह आपसे एक चार्ज लेते हैं और आपको स्टॉक्स में एक फ्रीडम होती है, अपने रिसर्च के बेस्ड पर आप अपनी गलतियों से सीखते हो और आप फ्यूचर में वो मिस्टेक्स नहीं करते हो। तो आपको खुद से सीखना चाहिए कि स्टॉक्स को कब खरीदना है कब बेचना है, इसमें आपको ज़्यादा फायदा है इन कंपैरिजन म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने।
अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपको म्यूचुअल फंड में पैसे लगाना चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड मैनेजर मार्केट का एक्सपर्ट है, आपको वह कुछ रिटर्न बना के देगा। अगर आप डायरेक्टली स्टॉक्स में पैसे लगाओगे तो आप गलती करोगे और आपके पैसे डूबने के चांस हैं। अगर आप बिगिनर नहीं हो, आप स्लोली स्लोली लर्न कीजिए और आप खुद से स्टॉक मार्केट में पैसे लगाइए। आप खुद सीख सकते हो, अपने बच्चों को सिखा सकते हो, फ्यूचर में क्या होगा कि आपको एक फ्रीडम रहेगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने फैमिली और फ्रेंड मेंबर के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।